Good afternoon, all of you. Myself is Mohini Soni. I am from VDGS, Vidyadevi Jindal School, Hisar. और आज हम लोग बात करेंगे चित्रकला सेशन, जो कि LPU NSS के स्पॉन्सर से यहाँ है और लीफा हिसार का रेजिडेंट होने के नाते भी मुझे इसमें एक ये आप लोगों का सेशन मिला है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ आर्ट वर्क की, कुछ हम लोग आर्ट पीस बनाएंगे जो कि टोटली रिलेट होंगे मदर्स डे से रिलेट रहेंगे वो, जो कि हमारा अभी 10 मई को है, 10 मई को हम लोग मनाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो मैं कुछ आप लोगों को अभी लाइव कुछ ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दिखाऊंगा, जो कि आप लोग प्रेजेंट करेंगे अपनी मदर को मदर्स डे पर। कुछ आइडियाज़ रहेंगे फोटो फ्रेम को लेकर रहेंगे, कुछ आइडियाज़ रहेंगे सिंपल स्केचिंग, ड्राइंग, इंस्टेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को एक अब ये वाला सेशन स्टार्टिंग वो है अभी स्टार्टिंग। सबसे पहला हम लोग जो बना रहे हैं फोटो फ्रेम बना रहे हैं मदर्स डे पर मदर के लिए। तो देखिए, मैंने एक कार्डबोर्ड जो पुराना हमारे यहाँ वेस्टेज कहीं से भी आप लोगों को, जैसे पिज्जा बॉक्स होता है या कोई भी एक कार्टन का टुकड़ा लेकर, उसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है, ठीक है। उसको बीच में से जो फोटो का साइज होता है प्रॉपर, उसमें कटिंग करके मैंने इसको निकाल लिया है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक बेस कलर करेंगे। इसके बाद हम लोग इस पर बेस कलर करेंगे। मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर लिया है, आप लोग पोस्टर कलर भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर मैं बेस में यूज कर रहा हूं। और इसके ऊपर फिनिशिंग से आप लोगों को ये काम करना है। स्पीड से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल आराम से करना है ये वाला काम। तो इस तरह से एक मतलब बेस हमने फोटो फ्रेम के लिए ब्लैक कलर रेडी कर लिया है। ये जब तक ड्राई होता है तब तक मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आप लोगों को। इसके बाद हम लोग पेस्टल शीट्स के कुछ कलर लेंगे, ब्राइट कलर लेंगे। पेस्टल शीट जो मार्केट में अवेलेबल रहती है वो इस टाइप की कुछ होती है। देखिए, जैसे मेरे पास है ये ग्रीन कलर है, ये स्काई ब्लू है, रेड, येलो, मतलब आप लोग कोई भी ब्राइट कलर ले सकते हैं। मैंने इसीलिए बेस कलर डार्क लिया है, ब्लैक कलर लेने का मतलब ये है मेरा, ताकि ये पूरा खिल के आएगा, मतलब हमारे जो ब्राइट कलर थे हमने बेस लिए है। उसके बाद हम लोग इनकी हेल्प से छोटे छोटे फ्लावर और लीव्स को कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने कट किए हुए हैं, कुछ मेरे पास रखे हैं, जो जो सामान चाहिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह से फ्लावर की शेप में, अलग अलग शेप में हमने फ्लावर को कट किया है। स्काई ब्लू जैसे मैंने लिया है, येलो लिया है, और लीव्स के लिए मैंने जैसे ग्रीन कलर लिया है, तो ये लीव्स के लिए, और कहीं कहीं पर ये स्पाइरल लीव्स को भी बनाया मैंने। ये देखिए, इनको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। कोई भी पेन लेकर ऐसे एक स्ट्रिप कट करके और इसको इस तरह से स्क्रॉलिंग कर लेंगे हम लोग, इसके ऊपर ऐसे घुमा देंगे।
इस तरह से ये एक स्पाइरल, ये एक पीस तैयार होता है। इसके लिए हमें जो जो सामान चाहिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। एक कार्डबोर्ड हमने लिया, उसको ब्लैक कलर किया हमने, फ्लावर्स कट किए कलर, और जो कि घर में वेस्टेज रहते हैं, मैं ज़्यादातर आप लोगों को वही सामान इसमें यूज करने के लिए बताऊँगा जो कि हमें मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो सकता है, कहीं भी मिल सकता है। साथ वाली स्टेशनरी जो आजकल लॉकडाउन के टाइम में मुझे पता है कि मार्केट वगैरह बन रही है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसी ही सिंपल चीज़ें उठाई हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हो सकती है। तो हमने ये वाला बटन जो है वो ब्लैक और ये सब मतलब ले लिए हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ग्लू गन की हेल्प से मैं इस पे पेस्ट करूँगा थोड़ा, मैं भी हेल्प करूँगा, ये थोड़ा लाइट दिखाऊँ, ये इधर ऊपर टॉप करते हैं ऐसे। ये देखिए ग्लू गन, सबको पता ही है ये, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप लोग फेविकोल या कुछ भी यूज़ कर सकते हो साथ में, बैक कैमरा कर लेना। इस तरह से हम लोग फेविकोल या कुछ भी से, या ये फेविबॉल ग्लू गन से किसी से भी चिपका सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, एक ये कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर हम लोग बनाएंगे। हम लोग को कंट्रास्ट बनाकर चलना है, जैसे मैंने बीच में थोड़ा बड़े साइज का फ्लावर लगाया है। ग्लू गन से काम करने का मकसद मेरा ये है कि क्योंकि हमें थोड़ा सा इजीली इसको पेस्ट करना है, इसलिए मैं ग्लू गन से इसको चिपका रहा हूँ। आप लोगों को नजर आ रहा है सबको? उसके बाद यहाँ जैसे मैंने फाइव फ्लावर को पेस्ट किया है, इन्हीं से रिलेट करके हम लोग लीव्स को कहीं कहीं पर एडजस्ट करेंगे। इस तरह से देखिए एक कॉर्नर हमारा ये तैयार हो गया है। ऐसे ही इसी से बैलेंस करते हुए दूसरे कोने पर लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम लोग कम फ्लावर्स को चिपकाएंगे। यहाँ थोड़ा पास पास करके हम लोग फ्लावर्स को कर दो बंद। ये हमारा एक मतलब फ्रेम का एक जो है एक तैयार हो गया, जो हमने स्पाइरल बनाए थे वो हम लोग कहीं कहीं पर वो भी चिपकाएंगे। जितने भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं यहाँ, जितने भी मेरे फैन स्टूडेंट जितने भी हैं सीनियर मेरे, मैं सबको हेलो बोल रहा हूँ फिर से। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं 2 या 3 मिनट लेट आया आप लोगों के बीच में। आप लोग अपने रिस्पांस कमेंट्स के थ्रू देते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है, या फिर कुछ भी क्वेश्चनिंग आप लोग कर सकते हैं कमेंट में। इस तरह से देखिए स्पाइरल मैंने यहाँ रखा है इसको, एक सेशन ऊपर से भी
देखिए ये इस तरह से हमने एक हमारा बेस तैयार कर लिया फोटो फ्रेम का कॉर्नर पे। ब्लैक बेस लेने का मेरा रीजन यही था कि मेरे को फ्लावर के ब्राइट कलर थे। तो अब जो पुराने बटन्स मैंने लिए थे उनका यूज देखिए, ज्यादातर डार्क कलर के आप लोग बटन लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप लोग जैसे बड़ा फ्लावर है देखिए, मैंने ऊपर वाले में चिपका दिया है बटन्स को, देखो बटन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बटन्स मैंने लगाए हैं पुराने जो घर में हमारे रहते हैं, ऐसे ही नीचे वाले इस पर लगा देंगे हम लोग। बटन्स कॉर्नर पे हमने लगाए और ये इस तरह से एक मतलब फ्रेम हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ आप लोग को। आप लोग कोई भी घर में आपकी मदर का सिस्टर का कोई भी एक फोटो लेकर और बैक साइड से आप लोगों को अच्छे से करना है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। इस तरह से चाहे तो आप यहाँ कैप्शन भी डाल सकते हैं कोई भी, जैसे हैप्पी मदर्स डे या फिर कुछ भी वर्ल्ड्स बेस्ट मामा या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी मदर्स के लिए कोई वर्ड उनका नाम लिख सकते हैं आप लोग। इस तरह से आपका एक फोटो फ्रेम और लास्ट में फाइनल टच देने के लिए फोटो फ्रेम को मैंने ग्लिटर्स की जो ये लाइंस लगाई है, ये देखिए फेविकोल की ट्यूब से लाइंस लगाकर कोई भी स्पार्कल आप कलर की डाल सकते हो, सिल्वर गोल्डन जो आपको अच्छा लगे, या आप हैप्पी मदर्स डे या अपनी मामा का नाम कुछ भी राइट कर सकते हो इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो आई होप आप अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू आर्ट वर्क के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, डू योर बेस्ट, हैप्पी मदर्स डे।